सो अभी अगला स्टेशन चांदनी चौक है। मैं मेट्रो में हूँ, यहाँ पर सब लोग तैयार हो रखे हैं जैसे किसी मिशन पे जाने के लिए। चांदनी चौक के दरवाजे खुल रहे हैं, काफी भीड़ है मेट्रो में। अरे पूर्णिमा रुको यार का भाई, हमने क्या कर दिया, पास हो गए हम लोग। 15 मिनट बचे हुए हैं ट्रेन में पहुंचने के लिए। सो हेलो दोस्तों, नेगी एंड फैमिली में आपका स्वागत है। सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो अभी मैं हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओके। और जिस ट्रेन पे मैं रामनगर जा रहा हूँ उसका नाम है संपर्क क्रांति, ओके। ये तत्काल में हमने बुक करी है, मुझे पड़ा इसका 700 रुपये पर पर्सन। वो मेरा फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसकी सीट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। सो ये हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं और ये हमारी सीट है पूर्णिमा। सो मैं पूर्णिमा के घर जा रहा हूँ पहले, उसके बाद वहाँ से रामनगर से अपने घर, ओके। तो देखते हैं, हमको ये पड़ा 700 रुपये का, महंगा है। इस पर सोने का भी नहीं है, ऐसे बैठना पड़ेगा ऐसे। और सामान देखो यहाँ रखा हुआ है, ये सीट्स है ट्रेन की, और ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी सी बस होगी। तो अभी मैं कुछ खाने पीने का सामान ले जा रहा हूँ। सो मुझे चाहिए कुछ चिप्स भैया, भाई पानी की बोतल, और ये दो चाहिए, एक ही दूसरा का है। तो मेरा ये 40-60 रुपये का है और भाई मुझे 350 रुपये वापस दे रहे थे, ओके। सो अब मेरी ट्रेन अब ढूंढनी पड़ेगी भाई, कहीं भूल तो नहीं गया। लो तुम्हारे लिए चिप्स, पानी चिप्स। सो मुझे लग रहा है कि बहुत भूख लगने वाली है, क्योंकि ये मुझे बाहर से ये मिला है, ओके। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी भी ट्रेन में जाते हो, ओके, सो आप खाने पीने का सामान अपने बैग में रख लीजिए, जैसे पकोड़े, पराठे और पिज़्ज़ा, बर्गर, बनाना, एप्पल, चिकन, जितना हो सके अपने बैग में ठूस लीजिए, ताकि आपको भूख ना लगे। अब देखना पड़ेगा, भूख लगेगी तो क्या करेंगे। और ये क्या है यार, पसीना हो रहा है। ये एसी वाली ट्रेन है क्या? ये एसी वाली ट्रेन है, अब पसीना हो रहा है मुझे कसम से, मानना पड़ेगा। भूख लग रही है, ओके। आई थिंक हमको कुछ, ओके, मैं तो पानी लेकर के आया हूँ, बट मेरी फ्रेंड बोल रही है कि उसको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, ओके। इसे जूस लाना है, ओके, इसे यहाँ मिलेगा। सो मैं अभी जूस लेने जा रहा हूँ, और ये ट्रेन कहीं छूट ना जाए मुझसे, ओके। तो आ गई शॉप, तो मैं माजा ले रहा हूँ। माजा कितने का है? ये भी 40 का ही है, ये माजा भी 40 का ही है, ओके। माजा ले रहा हूँ, माजा पियो और ताजा हो लियो, ओके। सो मेरी ट्रेन, यार बड़ा ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ओके। ये यहाँ जाना है मुझे अंदर। Why are you making my video? सीन हो रहा है यार, एसी ऑफ कर दिया क्या है? आई वॉन्ट टू ईट दिस, जस्ट लिसन दिस क्रैकिंग साउंड, क्रकच 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 क्रकच, मज़ा आ गया। ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, पहली बार मैं दिन में ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, ओके। हम लोग दिल्ली से निकल गए हैं और रामनगर पहुँचेंगे हम रात को 9 बजे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोगों को हैप्पी जर्नी। टीटी भी आ गया, देखो हमारे पास टिकट है। अगर टिकट ना हो तो टीटी क्या करता है पता है? पिछवाड़े लाल। अभी हम बोर हो रहे हैं तो हम नेटफ्लिक्स देखने जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं। नेटफ्लिक्स में भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारा शो नेटफ्लिक्स पे भी आने वाला है, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स बंद हो जाएगा। प्लीज़ इसीलिए जल्दी लाइक कर दीजिए। देखिए कितना सुनहरा नाला है, लोग यहाँ नहाने आते हैं, देखिए। तो हमने अभी गाजियाबाद क्रॉस कर लिया है और पूर्णिमा मेरा इंटरव्यू लेने जा रही है। सो आइए शुरू करते हैं इंटरव्यू। हाय अविनाश। हेलो 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 हेलो। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे ट्रेनी लग रहा है। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा है, जब चढ़ा था तो गर्मी हो रही थी, अब कुछ देर बाद मुझे ठंड लग रही है, सीरियसली समझ में नहीं आ रहा जैसे ट्रेन कैसे चली है, जैसे कछुआ, कछुए के पीछे मैं, मेरे पीछे कछुआ। प्लीज़ माइक अपनी तरफ लगाइए। सो बाय। हाँ, इस ट्रेन ने ना 5 ही बजा दी है, अभी हम गाजियाबाद क्रॉस हुए हैं, हम 4 बजे से निकले हुए हैं। और पटाखों दिखाओ, पटाखों, यार विश्वास नहीं हो रहा।
अभी 12वीं में इतना पढ़ लेती ना तो आज फ्लाइट में जा रही होती, ट्रेन में नहीं। ला 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 गोल्डन सा सुहाना। रोहित का घर कहाँ है? कहाँ है ये रहा? ए, है, तभी यहीं आता ही हो पटरियों में। दोस्तों इस चेयर कार ट्रेन में मेरी कमर दुख गई है। पूर्णिमा ये पीछे होती है चेयर? साइड से है। ओके कहाँ से? साइड से पीछे कमर दुख गई भाई। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो पीछे गद्दे सद्दे लेकर के आओ, है ना। तो अभी मैं टॉयलेट जा रखा है, उसे मैंने कर लिया। ओके सो फाइनली हम मुरादाबाद पहुँच चुके हैं। 7 बजे पहुँचना चाहिए था और हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं 8 बजे, और तुमने कहा था 9 बजे। हाँ 9 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे रामनगर। सो मैं थोड़ा सा बाहर देख के आता हूँ यार। कुछ चाय पीनी है क्या? चल मैं बाहर देख के आता हूँ। बाहर जा रहे हो ना तो आराम से जाना, आसपास ही रहना। अभी चलेगी ये ट्रेन, छूट छाट गए तो पागल हो क्या? थोड़ा बच्चा हूँ क्या जो मैं खो जाऊँगा? एक सेकंड, मैं किसी भी डब्बे में चढ़ जाऊँगा अगर बाई चांस छूट गई मैं ट्रेन। बटवा क्या मेरा बटवा? सो अभी मैं मुरादाबाद में हूँ बाहर, और हमारे टिटी भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कुरकुरों और चिप्स के चक्कर में, खाने के चक्कर में मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना है, एक घंटा और वेट कर लूँगा। सोचा कि यार तुम्हारे घर पर खाएंगे। और तुमने इतनी सारी बुक पढ़ ली है क्या? झूठ बोल रही है। सो गाइस हम लोग रामनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है और मजा आ रहा है हमको, क्योंकि पहाड़ों की ठंडी हवा यहाँ पर हमको छू रही है और लोग हमको देख के हंस रहे हैं। ओके सो हम पहुंच गए हैं फाइनली रामनगर में, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।